दिनेश कार्तिक इस टूर्नामेंट में विकेट कीपर के लिए कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ की पहली पसंद रहे हैं। वहीं पंत को जिम्बाब्वे के खिलाफ मौका मिला था लेकिन वह कुछ खास नहीं कर पाए। अब इस बात को लेकर बहस हो रही है कि दोनों में से किसे सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ खिलाया जाए। भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप में गुरुवार यानी 10 नवंबर को इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच खेलेगी। टीम इंडिया इस मुकाबले के लिए जमकर तैयारी कर रही है लेकिन उसके सामने यह चुनौती है कि मैच के दिन प्लेइंग 11 में दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत में से किसे शामिल करें। कार्तिक इस टूर्नामेंट में विकेट कीपिंग के लिए कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ की पहली पसंद रहे हैं। पंत को जिम्बाब्वे के खिलाफ मौका दिए जाने के बाद यह बहस तेज हो गई है कि सेमीफाइनल मुकाबले में पंत को खिलाया जाएगा या फिर दिनेश कार्तिक को। इसी बहस में पूर्व कोच रवि शास्त्री ने भी अपनी टिप्पणी की है। आइए बताते हैं रवि शास्त्री के हिसाब से किसे खिलाना चाहिए। रवि शास्त्री का कहना है कि अगर भारत को इंग्लैंड के खिलाफ जीत हासिल करनी है तो उन्हें अपने एक्स फैक्टर खिलाड़ी को टीम में रखना होगा जो कि ऋषभ पंत हैं। शास्त्री ने यह भी कहा कि कार्तिक एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं लेकिन इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ एक आक्रामक खिलाड़ी की आवश्यकता होगी। बाएं हाथ का बल्लेबाज यह काम कर सकता है। शास्त्री ने कहा कि पंत ने इंग्लैंड में और उसके खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने अपने दम पर मुकाबले जिताए हैं। वह टीम में एक्स फैक्टर लाते हैं। यह काम सेमीफाइनल में हो सकता है। अगर आपको मैच में जीत हासिल करनी है तो इस तरह के खिलाड़ी का होना जरूरी है। वहीं जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में कार्तिक को ड्रॉप करने पर सहवाग यानी वीरेंद्र सहवाग जी ने कुछ कहा है। आइए बताते हैं आपको क्या कहा उन्होंने। रवि शास्त्री के अलावा कार्तिक और पंत को लेकर भारत के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने भी अपनी राय रखी है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ कार्तिक को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। अगर वह आपकी पहली पसंद हैं तो उनके साथ पूरे टूर्नामेंट में खेलिए। बाहर करने से उनके आत्मविश्वास में कमी अगर उन्होंने रन नहीं बनाए हैं तो उन्हें आत्मविश्वास दीजिए। उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, ऐसा कहा है वीरेंद्र सहवाग ने। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ रवि शास्त्री जी कह रहे हैं कि पंत को खिलाइए, वहीं पर दूसरी तरफ वीरेंद्र सहवाग जी कह रहे हैं कि कार्तिक को मौका दिया जाना चाहिए सेमीफाइनल में भी। पंत और कार्तिक को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको क्या लगता है कि सेमीफाइनल में किस खिलाड़ी को खेलना चाहिए इंग्लैंड के खिलाफ जो कि 10 नवंबर को खेला जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।